दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम को विश्व की सबसे बेहतरीन टीम मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें सबसे बड़ा घमासान मुकाबला 24 अक्टूबर को देखने को मिलेगा, जिसमें क्रिकेट जगत की सबसे पुरानी राइवलरी टीमें भारत और पाकिस्तान आपस में भिड़ती हुई नजर आएंगी। इस मुकाबले से पहले दोनों ही देशों में काफी ज्यादा गर्मागर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है, और इसी गर्मागर्मी को देखते हुए भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान ने भी इस मुकाबले में अपने बयान दे डाले हैं। इसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं क्या कहा शाहरुख खान ने, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में कौन है बेहतरीन टीम और कौन सी टीम उस मैच को जीतेगी, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, ICC T20 वर्ल्ड कप के अपने दूसरे वार्म अप मुकाबले में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से मात दी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपने पहले निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 152 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया। जवाब में सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा की अर्धशतकीय पारी के दम पर भारतीय टीम ने 17.5 ओवर में सिर्फ 1 विकेट खोकर आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। सूर्य कुमार यादव 27 और हार्दिक पांड्या 14 रन बनाकर नाबाद लौटे। ऑस्ट्रेलिया के लिए एकमात्र विकेट एस्टन एगर ने लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मुकाबले में रोहित शर्मा ने अपनी भारतीय टीम की कमान संभाली और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम ने पावर प्ले में ही अपने 3 बल्लेबाज खो दिए। पारी का दूसरा ओवर करने आए ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहले ही ओवर में 2 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अश्विन ने पहले सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर को LBW आउट किया और अगली ही गेंद पर मिशेल मार्श को स्लिप में कैच आउट करवा दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बढ़ता गया और टीम 20 ओवर में सिर्फ 152 रन के स्कोर तक पहुंच सकी। दोस्तों, आपको बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और KL राहुल ने ताबड़तोड़ शुरुआत दी। दोनों के बीच में पहले विकेट के लिए अर्धशतक की साझेदारी हुई। इसके बाद 39 रन बनाकर KL राहुल एस्टन एगर का शिकार बने, लेकिन दूसरे छोर से रोहित शर्मा शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और अंत में 60 रनों की निजी स्कोर पर वो रिटायर्ड हर्ट हो गए और इस दौरान उनके बल्ले से 5 चौके और 3 छक्के भी निकले। 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव ने भी अच्छी बल्लेबाजी की और कुछ बड़े शॉट्स लगाए। इस तरह भारतीय टीम ने मुकाबले में आसानी से 13 गेंद शेष रहते ही जीत हासिल कर ली। दोस्तों, भारतीय टीम की इस शानदार प्रदर्शन को देखने के बाद तो एक बात साफ तौर पर जाहिर हो चुकी है कि भारतीय टीम 24 तारीख को पाकिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले बड़े मुकाबले से पहले पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। आपको बता दें कि भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन को देखकर शाहरुख खान ने एक ऐसा बयान दे डाला है जिसके बाद तो भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच चल रही गर्मा गर्मी में और भी ज्यादा बढ़ती हुई गर्मा गर्मी नजर आ रही है। आपको बता दें कि शाहरुख खान ने अपने बयान में कहा कि इस साल भारतीय टीम के खिलाड़ी IPL से लेकर T20 वर्ल्ड कप में लगातार शानदार खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय टीम के शेर जिस जबरदस्त फॉर्म से गुजर रहे हैं उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इस साल भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम करेगी। और दोस्तों, असली मजा तो तब आएगा जब भारतीय टीम के खिलाड़ी ऐसा ही शानदार खेल का प्रदर्शन करके 24 तारीख को पाकिस्तान की टीम को धूल चटाने में कामयाब होंगे। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान की टीम भारत के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकेगी और भारत इस मुकाबले में पाकिस्तान को पैरों तले रौंदकर एक शानदार जीत हासिल करने में कामयाब रहेगा और पूरे क्रिकेट जगत में ऐसा ऐलान कर देगी इंडिया टीम कि उनसे बेहतरीन T20 वर्ल्ड कप में कोई नहीं है। लेकिन दोस्तों, शाहरुख खान के इस बयान को सुनकर आप सभी को क्या लगता है कि क्या भारतीय टीम 24 अक्टूबर को पाकिस्तान जैसे खतरनाक टीम को धूल चटाने में कामयाब रहेगी या फिर नहीं, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।